नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी डॉट कॉम का टॉप 20 बुलेटिन। इस तीसरा दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर हो रही है चर्चा। राहुल गांधी आज देंगे धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब। पेगासस मामले को लेकर सरकार का कर सकते हैं घेराव। पीएम मोदी ने बजट पर दिया बयान, लोगों के लिए पैदा होंगे नए अवसर, अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा कार्यकर्ताओं को बताए बजट के फायदे, सुबह 11 बजे किया संबोधन। सीएम योगी ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री को दिया धन्यवाद, कहा आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला है ये बजट। राहुल गांधी ने कराई अपनी फजीहत, बीजेपी को घेरने की कोशिश में शेयर किया चाचा भतीजे का वीडियो। वित्त मंत्री के यूपी टाइप वाले बयान को कांग्रेस ने बताया जनता का अपमान, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर साधा निशान। यूपी चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश और शिवपाल के खिलाफ कांग्रेस नहीं उतारेगी कोई उम्मीदवार। यूपी की मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कटा, विधानसभा अध्यक्ष को भी फिर नहीं मिला मौका। देश में पिछले 24 घंटों में 1.61 लाख नए मामले आए सामने, 1733 लोगों ने तोड़ा दम। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2663 नए मरीज मिले, 27 लोगों की कोविड से गई जान। मुंबई में घटे कोरोना के केस तो हटाया गया नाइट कर्फ्यू, रेस्तरां थिएटर अब 50% क्षमता से खुलेंगे। आज तृणमूल कांग्रेस का होगा सांगठनिक चुनाव, ममता का फिर पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित होना तय। तेलंगाना सीएम केसीआर ने क्रांति के लिए उठाई आवाज, कहा भारत के संविधान को फिर से लिखने की है जरूरत। छोटे और मध्यम व्यापारियों पर सरकार मेहरबान, 1.30 करोड़ एमएसएमई को दी जाएगी अतिरिक्त पूंजी। रेल मंत्रालय को बजट में 1,40,000 करोड़ से ज्यादा हुए आवंटित, 400 नई ट्रेनों का भी हुआ ऐलान। बजट 2022 में हुआ ऐलान, अब हर रोज बनेगी 68 किलोमीटर सड़क, पहाड़ी इलाकों को रोपवे की सौगात। अमेरिका में 5 साल तक के बच्चों को टीकाकरण के लिए फाइजर और बायोएनटेक ने मांगी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। बजट के अगले दिन शेयर बाजार की तेज हुई शुरुआत, सेंसेक्स 500 अंक तक चढ़ा। वैश्विक स्तर पर 38.12 करोड़ पे पार हुआ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, 56.8 लाख लोगों से ज्यादा की गई जांच। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।